हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आभा के ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का 9 o'clock हो रहा है और क्या बताऊँ, मैंने वीडियो इसलिए आज बनाना मतलब ये वीडियो शूट किया है, बनाया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में, मैं गई भी थी, आपको दिखाया भी था, वीडियो भी शेयर किया था आपसे यूट्यूब पर कि हम गए हैं मुंबई वीज़ा ऑफिस में, और वीज़ा हमें जो वीज़ा का प्रोसीजर था, सारा वीज़ा का प्रोसीजर करना था। तो अभी फाइनली वीज़ा आ गया है हमारा, VFS ग्लोबल से ये वीज़ा आ गया है। और एक है आशी का है, एक मेरी मतलब मेरी डॉटर का है, एक मेरा है, आशी के पापा का है। तो 3 वीज़ा आया था हमारा VFS ग्लोबल से। तो और आज मैं बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ जर्मनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब हमारी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी, तीनों लोग जर्मनी जा रहे हैं। और फाइनली हम शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पर, और ये जो मेरा ये घर है उसे हम रेंट पे देने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे खाली रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा होता भी नहीं है खाली घर रखना, तो इसलिए हम इसको रेंट पे दे देंगे। तो फाइनली अब वीजा आ गया, तो अब हमारे ऊपर वर्डन आ गया है पूरी तरह से, जितना है जो शॉपिंग होता है वो करने का, और बहुत से काम निपटाने हैं तो वो सब करना है। अभी तो शॉपिंग पहले करना है, और आपको पता है कि जर्मनी में कितनी ठंड होती है, -डिग्री तक चले जाता है, -20 -15 तक जाता है टेम्परेचर, और उस वजह से थोड़ा सा और वरी हो रही हूँ, बिकॉज ऑफ हम लोग यहाँ पर जो पुणे में रहते हैं इतना हमारा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता है, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, गर्मी में भी अच्छा मौसम होता है, सर्दियों में भी अच्छा मौसम होता है, इतनी सर्दी नहीं होती। हाँ, जहाँ की मैं हूँ मतलब यूपी की हूँ, बनारस की हूँ, तो उधर तो कपकपाने वाली ठंड होती है, तो वो हैबिट है। बट यहाँ आके जो हमारा, जब से मैं यहाँ रह रही हूँ, लगभग मेरा 6 6 साल हो गया, 6 7 साल हो गया यहाँ रहते हुए, तो यहाँ के वातावरण में मैं ढल चुकी हूँ, एनवायरनमेंट में ढल चुकी हूँ। तो मुझे अब जो ठंड होती है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मेरे बॉडी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो अब वहाँ जाना है तो उस हिसाब से बॉडी को बनाना है, तो इसीलिए अभी मेरा मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, मॉर्निंग में पार्क भी जाती हूँ, वहाँ पे रनिंग करती हूँ, पार्क में वॉकिंग करती हूँ, जॉगिंग करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, जिससे ये जो थोड़ा सा मेरा बॉडी सॉडी है उसको स्लिम कर सकूँ। और साथ में मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, क्योंकि ये सब बॉडी फिट होना बहुत जरूरी है, अपने आप से भी लगता है कि हमें फिट होना चाहिए, ऐसे तो हम इग्नोर कर देते हैं, मैं खुद इग्नोर कर देती हूँ, काम इतने अधिक होते हैं कि टाल देती हूँ, आज नहीं चलो कल जाऊंगी, कल नहीं परसों जाऊंगी। बट अभी तो दिमाग में ये है कि नहीं, अभी बॉडी बना लेनी है, जिससे कि बॉडी फिट रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और कहते ही हेल्थ इज वेल्थ, तो शरीर ही धन है। तो इसलिए तो फाइनली हम जा रहे हैं जर्मनी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जर्मनी जा रहे हैं, और हमारा वीजा आ गया है, तो ये हमारा पासपोर्ट है, ये 3 लोग की हमारे पासपोर्ट है, तो ये पासपोर्ट है, और ये मेरा जो ये वीजा आ गया है, तो फाइनली वीजा आ गया। अब हमारी शॉपिंग स्टार्ट होगी, तो अभी सबसे पहले तो हमें गर्म कपड़े खरीदने हैं, और वो भी -डिग्री टेम्परेचर का ही खरीदना है, जिससे कि हम बाहर निकले तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप कहीं दूसरी कंट्री में जाते हो तो हर चीज़ आपको तुरंत नहीं हो पाता है कि आप जाके मार्केटिंग कर लोगे तुरंत, या आप क्योंकि आप अवेयर नहीं होते। फिलहाल मेरे हस्बैंड वैसे भी गए हैं, पहले भी गए हैं, वो आई थिंक 2018 में और 17 में वो गए थे, 2017 और 18 में गए थे वो, उनका ये 5वां ट्रिप होगा जाने का जर्मनी। अब मैं तो नहीं गई हूँ, ना मेरी डॉटर गई, ना मैं गई हूँ, बट मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए हुए हैं, तो उनको पता है वहाँ का इन्वायरमेंट भी पता है, वहाँ कैसे रहते हैं, उनको वो सब कुछ पता है, इसलिए वो तो बेफिक्र हैं, लेकिन थोड़ी मुझे ही टेंशन है कि कैसे क्या करना है। और अब तो आशी 1 क्लास में जाने वाली है, तो उसका वहाँ पर एडमिशन भी करवाना है, और जर्मन भी सीखना है, तो ये भी वर्डन है हमारा कि जर्मन भी सीख लेते हैं, बेसिक लेवल तो सीखना ही चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए, और हम जब वहाँ जा रहे हैं तो मतलब डेफिनेटली हमें आना चाहिए, तो कोशिश यही है। आशी बच्चे ना फटाफट सीख लेते हैं, तो आशी तो सीख ले रही है, मतलब सीख रही है, रनिंग में है वो, बट मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं मतलब फोकस करती भी हूँ नहीं भी करती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत है, बेसिक सीख रही हूँ अभी, लेकिन बेसिक से उतना काम नहीं चलता है, प्रॉपर आना चाहिए। आशी के पापा को भी आता है,
थोड़ा बहुत बेसिक आता है उनको भी, और आशी भी सीख रही है, मैं भी अभी सीख रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ब्लॉग बनाने का, लेकिन सोचती हूँ टाइम निकाल के ब्लॉग बना लूँ, जिससे कि आपसे भी अपनी बातें शेयर कर सकूँ। और जब जाऊंगी जर्मनी तो वहां पर भी वीडियो बनाऊंगी, वहां पे ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं वहां पर कैसा, क्या ही कहूँ, कैसा मैं फील कर रही हूँ, कैसा वहाँ का वेदर है। आप भी यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं कि जर्मनी में मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, वहाँ क्या होता है, तो मैं आपको वहाँ का वीडियो शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ, यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके कमेंट तो बहुत आते रहते हैं, तो अच्छे भी कमेंट आते हैं और बुरे भी कमेंट आते हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छे कमेंट वालों को धन्यवाद और बुरे कमेंट देने वालों को भी धन्यवाद, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो। अगर मुझे किसी भी तरह प्रोत्साहित कर रहे हो, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, लेकिन प्रोत्साहित तो कर रहे हो तो ठीक है ना, नेगेटिविटी है तो वो भी पॉजिटिविटी में बदल जाती है कभी ना कभी। तो प्लीज ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए, और मेरी फैमिली जो यूट्यूब फैमिली है उसे बढ़ाइए, और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलती हूँ, और अपना दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, क्या नहीं किया, क्योंकि अभी शॉपिंग करना बहुत जरूरी हो गया है और टाइम भी कम हो गया है, कम रह गया है, सॉरी टाइम कम रह गया है, और हमें नेक्स्ट ईयर ही निकलना है 2024 में। तो बस अभी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।